जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। मेरा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। ये जो अप्रैल महीने का धनु लग्न की बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। माफी चाहता हूं व्यूअर्स से कि वीडियो लोड करने में कुछ देर हो गया, कुछ प्रोफेशनल वर्क में बिजी था, इसलिए सॉरी। ये अप्रैल महीना का धनु लग्न यही है आस्केडेंट। धनु लग्न ये आपका लग्न है, हमेशा यही मान के चलिए, इसको राशि मत मानिएगा। अगर यहाँ चंद्रमा होगा तब तो वह आपका धनु राशि होगा। धनु राशि के अनुसार ये कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपका धनु लग्न है तब तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ये मार्च मतलब हर महीने का आधा से और दूसरा महीना का आधा तक संक्रांति का संक्रमण होता है, रवि का ट्रांजिट होता है हर महीने का ठीक अध्याय में। मतलब हमारा जो रवि का संक्रमण होने वाला है वो आपका 13 अप्रैल को रवि ये मीन साइन से मेष को आ जाएंगे। अभी ये फिलहाल मीन के साइन में है, पिसेस की राशि में है। तो ये अप्रैल महीना का 13 तारीख से जो संक्रमण होगा उससे पहले मतलब 13 तारीख तक का प्लैनेटरी पोजीशंस यही है। 1 अप्रैल 2021 प्लैनेटरी पोजीशंस यही है। ये आपका लग्न है तो आपका लग्न से सेकंड में गुरु एंड शनि पोजिटेड है, थर्ड में बुध है, फोर्थ में शुक्र एंड रवि दोनों मिलके बैठे हैं, फोर्थ में कोई नहीं, फिफ्थ में आपका मंगल और राहु, टेंथ में मून का 2.5 दिन का ट्रांजिट। तो मून को ऐसे इसी हिसाब से छोड़ के आप देखिएगा लग्न के हिसाब को। और 11th में केतु है। ये मार्च महीना मतलब अभी तो रनिंग पे है, अभी चल रहा है। ये 1 अप्रैल 2021 डेटेड को रात 12 बजे दिल्ली की टाइम के अनुसार यही है ट्रांजिट। मगर प्लैनेटरी पोजीशंस का आपका 13-14 तारीख को चेंज होने वाला है कई सारी प्लैनेट्स। उनमें से बृहस्पति यहां है, बृहस्पति ये मकर साइन से कुंभ को चले जाएंगे आपका 25 अप्रैल को, और बुध आपका कुंभ में है, बुध आपका मीन को चले जाएंगे, और रवि एंड शुक्र आपका मीन में है जो कि चले जाएंगे मेष को, आरियस लग्न राशि को, और मंगल एंड राहु वो दोनों जैसे वैसे ही रहेंगे। यही है प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ चेंजेस होने वाला है 13 अप्रैल 14 अप्रैल के बाद में। तो फिलहाल धनु लग्न, धनु का साइन नेचर उसका क्या है, उसका लड़ के कौन सा है, लग्नाधिपति कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। धनु लग्न सबसे कैपेबल स्पिरिचुअल मटेरियल एंड मोस्ट एफिशिएंट लग्न है। अगर आपका धनु लग्न है तो आपको कुछ टैक्स दिया जाएगा तो बेहतर ढंग से आप उसी टैक्स को कर सकते हैं। धनु का सिंबलिज्म दोस्तों क्या होता है, एक चार पहिया का एक जानवर है और उसका सर
इंसान का सर है जो हेड होता है, जिसमें आंखें, नाक, पाटी, कान सब कुछ है, और उसके दोनों हाथ है। जिस हाथ में एक निशानदेही धनुष और तीर होता हो, मतलब इसका सिंबलिज्म क्या होता है, चार पहिया होने से वो क्षिप्रता, उसका स्पीडनेस बहुत होता है, क्योंकि दो पैर से तो चार पैर पैर वाला एनिमल पशु ज्यादा तो दौड़ सकता है, ज्यादा एक्टिवेटेड हो सकता है। चार पैर का जो सर होता है, जो दिमाग होता है, उससे कहीं बेहतर ढंग से वो इंसान का सर में चिंतन करने का शक्ति, चिंतन करने का जो क्षमता होता है, विचार करने का जो क्षमता होता है, वो लगा हुआ है। और उसके हाथ में एक धनुष और एक तीर निशाने पर, मतलब एक्टिव टू टारगेट द हिट, उसी पोजीशन में उसका पिक्चराइज किया गया है। हमारा मुनि ऋषियों ने धनुष सिंबल को उसी तरह किया हुआ है। मगर ये एक बात है, जो इंसान का सर लगा हुआ है वो मैन या फीमेल ऐसा कोई सिंबल नहीं है। उसका लॉर्डशिप इसी घर का लॉर्ड होता है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, वो आपका लग्नाधिपति है। आप एक सेपरेट ग्रुपिज्म का है, आपका ऑपोजिशन में आते हैं शुक्र। दोनों गुरु है, दोनों गुरु में से एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। उनके साथ उनका ना उनके साथ उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप अच्छा ढंग से नहीं चलता है। तो आपका लड़का देव गुरु होने के नाते आपका ग्रुपिज्म में आते हैं मून, चंद्रमा, मंगल और खुद बृहस्पति। तो आपका ऑपोजिशन में आ जाते हैं बुध, शुक्र, शनि। तो आपका बेहतर पोजीशन क्या है, सेकंड लॉर्ड मकर, शनि और बृहस्पति के साथ रिश्ता कुछ खराब नहीं है। ये स्पिरिचुअल, ये मेटेरियल, ये देवगुरु, इसलिए शनि बहुत रेस्पेक्ट देते हैं बृहस्पति को। थर्ड लॉर्ड वही शनि है, फोर्थ खुद का घर है, फिफ्थ मंगल का घर है। पांच साइन तक बृहस्पति खुद अपना तरीके से, अपना सोवरेंटी में, जिस तरह का खुद लॉर्ड होते हैं उसी तरह का पोजीशन मिल जाता है टिल यहां तक। और इसके बाद एक दो तीन चार पांच के बाद छठा, ये शुक्र का घर है। आगे शुक्र अभी षष्ठाधिपति, द क्वारेल, द एनमिटी, द लॉसेस, योर सर्विस, योर जॉब, योर प्रोफेशन, योर रिटर्न सेटिस्फेक्शन, शुक्र। और सातवां आपका बुध, सातवां हाउस का लॉर्ड आपका बुध है, मर्कुरी, द इंटेलेक्चुअल पावर। सेवेंथ पोजिशन एक मारक पोजिशन होने के नाते बृहस्पति और बुध, उनके दोनों में रिश्ता अच्छा नहीं है, आपस में एनमिटी बहुत है, आपस में एनमिटी बहुत है, शत्रुता बहुत है, शत्रुता का भाव है। आठवां चंद्रमा, चंद्रमा आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है, बृहस्पति और चंद्रमा का रिश्ता बहुत बढ़िया सा है। लेकिन ये हॉरोस्कोप में अगर षष्ठाष्टमांड द्वादश में बृहस्पति से चंद्रमा या चंद्रमा से बृहस्पति का पोजीशन अगर षष्ठाष्टमांड द्वादश हो गया किसी भी कुंडली में, तो वहां पर एक नेगेटिव योग क्रिएट होता है जिसको हम सकटा योग बोलते हैं। वो योग हो जाने से इंसान का लाइफ बस डिससेटिस्फेक्शन, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटनेस इस तरह का चलता है। अपने आप को कहीं भी सुकून महसूस नहीं करता है, खुद को दुखी बना देता है खुद। सोसाइटी में जितना प्रेस्टीज मिलने से भी वो खुद को दुखी बना देता है, खुद को खुद दुखी बना देता है। छकड़ा योग का यही नेगेटिविटी है,
फैमिलियर्स रिलेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो उनका सोच कुछ और सा है। जो सोच जो चाहत होता है वो दूसरे से नहीं मिलता है। सकटा योग वेरी क्रिटिकल योग है। कभी सकटा योग के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। व्यूअर्स टाइम हो तब तो सकटा योग के बारे में मैं कभी बताऊंगा। लेकिन मून यहाँ पर बृहस्पति के लिए अच्छा है। यहाँ रवि, ये त्रिकोण का रिलेशनशिप है। रवि बृहस्पति बहुत सा रिलेशन बहुत सा बढ़िया है। तो इस तरह का बृहस्पति का ऑलरेडी देवगुरु है, उनका विचारधारा बहुत उत्तम है, बहुत उच्चाकांक्षी है, उच्च स्तर का है, और निम्न स्तर का सोच उनके पास नहीं है। उनका जो कंटेम्पोरेरीज होता है, उनका जो सामाजिक स्थिति होता है, वो हाई लेवल पे होते हैं। लो ग्रेडेशन लोग आदमी इंसान के साथ उनका कुछ मतलब ऐसा इंटरनली लेन देन कुछ नहीं है। वो मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन है, अपने आत्मसम्मान के लिए वो बेहतर ढंग से काम करते हैं। तो यही है उनका नेचर, यही है उनका पिक्चराइज का मीनिंग। डेस्टिनेशन जो होता है धनुष और तीर के साथ, टारगेट को अचीव करना है। चार पहिया एनिमल में एक इंसान का सर लगा हुआ है, हाथ में एक धनुष और तीर, दौड़ता हुआ लगेगा सही निशान सही जगह पे, तो उनका डेस्टिनेशन वो कभी भूलते नहीं। मगर जो अभी बताया उनका जो नेगेटिविटी प्लैनेट्स का, महादशा अंतरदशा ये सब आ जाने से, और पोजीशन मिस्टेक हो जाने से, और षष्ठाष्टम द्वादश रिलेशनशिप में कुछ रिलेटेड हो जाता है, और नक्षत्र डिवीजन में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, और आपका तारा चक्र में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो बृहस्पति पर्सन जो आपका जो धनु लग्न पर्सन होते हैं उनके लिए आ जाता है नेगेटिविटी का टाइम, दुख का टाइम, डिस्ट्रैक्शन फ्रस्ट्रेशन ये सब आ जाता है। नहीं तो ये जितने सारे कुंडली होते हैं, जितने सारे लग्न होते हैं, सबसे बेहतर स्पिरिचुअल समझदार अमीर प्रेस्टिजियस सोशियबिलिटी सब कुछ इंग्रेडिएंट्स उनके पास होते हैं। तो महीने का रिजल्ट पे चलते हैं। इसी महीने में आपका जो 13 तारीख के रवि आ जाते हैं, संक्रमण संक्रांति के बाद मेष साइन को, यही है आपका लग्न धनु लग्न। यहाँ से 3-4-5वां पोजीशन में रवि है, मंगल की घर में है, 6 तो 4था में 5वां चले गए। यहाँ शुक्र और रवि दोनों है। शुक्र आपके लिए ठीक कारक ग्रह नहीं है, रवि के साथ शुक्र बैठे हुए, फिर भी शुक्र वहाँ कंब्यूस्ट है, अस्तगत है। शुक्र का पावर अगर डिग्री में देखा जाए आपका कुंडली में 6-8-12 में हो, या शुक्र का फोकस में आप हो, आपका कर्मस्थान, आपका संतान की स्थान, आपका सेकंड धन की स्थान कुछ ऐसा है, नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, तो दूसरा बात है, ये कुंडली देखने से मिलेगा बेहतर ढंग से। मगर ये जो ट्रांजिट दिखाता है, ये ट्रांजिट में रवि के साथ शुक्र होने से शुक्र आपके लिए उतना नेगेटिविटी नहीं है इसी महीने में। और 6ठा में मंगल राहु के साथ, ये मंगल जाने वाले हैं आपका 14 अप्रैल को चले जाएंगे मिथुन की साइन में, अकेला रह जाएंगे यहाँ राहु अकेला रह जाएंगे, यहाँ पे मंगल आ जाएंगे मिथुन की साइन में। 6ठा घर में राहु हो जाएंगे, राहु यहाँ उच्चस्थ है, 6 उस जगह आपका क्वारेल, आपका शत्रुता एनमिटी, आपका जॉब एंड सर्विस, आपका सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर रियल काम आप करते हैं जिसके बदले में आपका सेटिस्फेक्शन आता है, आपका पैसा आता है, आपका तनख्वाह आता है, आपका ये सब आता है, वहां पर राहु अकेला बैठ जाएगा। इसी महीने में क्या हुआ था कि गुरु आपका मकर साइन में था पहले से, ये गुरु की 5वां फोकस में राहु और मंगल थे,
तो राहु का जो डिस्टर्बेंसेस होने का जो नियोता था, राहु साइलेंट मेंटेन कर रहा था, गुरु की फोकस में। राहु किसी को बात नहीं मानता है, राहु किसी का कंट्रोल में नहीं आता है, सिर्फ बृहस्पति देवगुरु का आता है, उनका पांचवा दृष्टि से आते हैं। तो उस वक्त तक राहु साइलेंट था। अब बृहस्पति चले गए आपका कुंभ साइन को, यहाँ मंगल आ जाएंगे 14 तारीख को मिथुन साइन को, तब तो आपका इसी राशि में राहु अकेला पोजिटेड हो जाएगा। कहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस राहु, ये शुक्र का घर है। शुक्र आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं है। राहु और केतु जहां पर बैठते हैं बेसिकली उसी साइन का जो लॉर्ड होते हैं उसी तरह का रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र आपका स्त्री कारक प्लैनेट है, शुक्र एक स्त्री कारक प्लैनेट है, लेडीज चकचक डैजलिंग नाच रहा, गाना गा रहा है, उसी तरह का जो दिमाग लगा के पैसा कमाना जिस रास्ते में, शुक्र दो सोर्सेस द इंटेलेक्चुअल पावर उसी जगह में, शुक्र दो इंडिकेट्स द लिक्विड द लिकर्स द शराब, उसी तरह का कोई अल्कोहल जहां पर राहु बैठा हुआ है तो नहीं। तो जिंदगी में उसी रास्ते का आप तो कोई बात नहीं, भगवान ना करे, अगर उसी रास्ते में है या कोई दोस्ती कोई दोस्त मजबूरी में उनके साथ आपका कोई रिश्ता नाता है तो उसी लाइन को जितना हो सके परहेज कीजिए, क्योंकि राहु एक पॉइजनियस का प्लैनेट है और यहाँ शुक्र के घर में बैठे हैं। राहु शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है, एक प्लैनेट आपके लिए नेगेटिव देने वाला यहाँ प्रेजेंट है राहु। हो सके तो विष्णु सहस्र नाम कीजिए, दिन में जितने बार हो सके उतने बार कीजिए, नहीं हो सके तो एक बार कम से कम कीजिए। और शिव जी की टेम्पल शिव जी की मंदिर जितना हो सके उतना जाइए, टाइम नहीं है पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिव जी की मंदिर का जो चौखट होता है वहां तक भी जाएंगे तब तो रिजल्ट आपको आ जाएगा, यही मेरे तरफ से गारंटी है, प्रभु से यही कृपा आपको मिल जाएगा। कम से कम प्रभु तो यही सोचेंगे ना, हाँ वो आ तो नहीं सका उतना बिजी है, कम से कम मेरे तरफ तो आने का उसका दिल में है, उसका जी में है, उसका चिंतन में है। राहु आपका नेगेटिविटी की प्लेस में है और ये केतु आपका द्वादश स्थान में है, 12th पोजीशन। अगर पासपोर्ट किए हैं, वीसा के लिए अप्लाई किए हैं, फॉरेन जाने को कोई इंटेंशन है आपका, या घर से कहीं डिस्टेंस इंडस्ट्रियल बिजनेस है आपका और आप कहीं डिस्टेंस में कोई प्रोफेशन में है, ये 12th प्लेस आपके लिए यही दर्शाता है कि उधर आपको जितना हो सके सावधान मेंटेन करना चाहिए। बेसिकली धनु लग्न ये अप्रैल महीना 13 तारीख से मई महीना 13 तारीख तक का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, और अगले महीने फिर मई से जून तक जितना हो सके मेरे से मैं लेकर आऊँगा। और हाँ, बृहस्पति धनु में है और ये धनिष्ठा नक्षत्र में है, देखे धनिष्ठा नक्षत्र आपका मंगल का है, धनिष्ठा नक्षत्र आपका मंगल का है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका साधक तारा में पड़ता है, क्योंकि वो मंगल का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र तीनों आपका साधक तारा में पड़ता है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से बृहस्पति रिजल्ट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शनि यहाँ पे है आपका सेकंड हाउस में, पहले बताया ना शनि बृहस्पति का रिलेशनशिप शत्रुता नहीं है, शत्रुता नहीं है, और यहाँ पर शनि कैप्रिकॉर्न में है,
खुद का राशि में है, आपका सेकंड लॉर्ड है, धनस्थान का मालिक है, तो आपके लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगा। मंगल यहाँ आ जाएंगे, मरकुरी आपका एनिमिटी है बृहस्पति लग्न मतलब धनु लग्न के लिए, वो अभी यहाँ पोजिटेड है 1, 2, 3, 4 फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इमोशनल का जगह है, घर का, परिवार का, सोसाइटी का, जिस माहौल में आप रहते हैं, माँ का, उसी जगह का कारक है। मरकुरी बुध आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, दिमाग जितना लगाना चाहिए उतना लगाइए फिर भी आपको फेलोर होना पड़ेगा। बुध आपका रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र बुध का खुद का नक्षत्र है, वो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 फोर्थ प्लेस में। बुध से इस तरह का कोई रिजल्ट इसी महीने में आपका नहीं आने वाला है, शुक्र से इस तरह का कोई रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है, और यहाँ राहु आपका नेगेटिव सोचने वाला यहाँ बैठा हुआ है फिफ्थ प्लेस में, जो कि कुछ करने का क्षमता हासिल करता है इंसान, जो पांचवा भाव होता है, पांचवा प्लेस होता है, फिफ्थ पोजीशन होता है, फिफ्थ राशि होता है, उसी राशि में अभी राहु बैठा हुआ है, और राहु वहाँ पर बहुत बलवान होता है। तो प्लीज़ भगवान से सरेंडर कीजिएगा, शिव जी के मंदिर जाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम कीजिएगा। इसी महीने इस तरह का एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मैंने शेयर किया। अगर पर्सनली आपका हॉरोस्कोप कहीं कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस अलग सा बैठा हुआ है तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कई कई वीडियो में थंबनेल में मेरा टेलीफोन व्हाट्सएप नंबर दिया है, फिर भी 9937568299 दोबारा बता रहा हूँ, 9937568299। बस आज के लिए विदा दीजिए, जय जगन्नाथ।